हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन हॉल वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं मेरा फर्स्ट ऑनलाइन हॉल वीडियो। मैं यहाँ पे कपड़ों का रिव्यू करने वाली हूँ, जो सारे कपड़े मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कुछ कुर्ता प्लाजो सेट है, कुछ कुर्ता और शरारा सेट है, और मैंने पिक किया है कुर्ता स्कर्ट सेट। तो ये तीनों ही मेरे आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने आज ये ड्रेस पिक किया है। आई होप कि आपको मेरा ये ड्रेस कलेक्शन और ये रिव्यू आपको पसंद आए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल ही फ्री है, और वहाँ पे एक घंटी का आइकॉन होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए और ऑल पे आप उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो और सारी वीडियो है जिस पे मैं और रिव्यूज करने वाली हूँ, उसका उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सके। तो ये है हमारा फर्स्ट कुर्ता प्लाजो सेट। ये ब्लैक कलर में है और इसका प्लाजो का कलर कुछ गोल्डन है और थोड़ी पिंकिश टाइप है, गोल्डन पिंकिश टाइप कुछ एक कलर है, और इस पे चेक्स बने हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ये कुर्ता, जो कि है ब्लैक कलर का, और ये ब्रांड है गुलमोहर जयपुर। गुलमोहर जयपुर के जो क्लोथ्स होते हैं, जो कुर्तीज़ होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। मैंने पहले भी इसके इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखते हैं, ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का कुर्ता है, और इसके ऊपर जो है ये बहुत ही प्यारे से ब्लैक गोटा पट्टी बनी हुई है। देख सकते हैं नेक लाइन, इसकी नेक लाइन बहुत ही सुंदर सुंदर सी है, सिंपल सोबर। आप देख सकते हो कि इस पे बहुत ही अच्छा ये नेक लाइन बना हुआ है, जो कि गोटा पट्टी से बना हुआ है। और इस पे जो ये जो छोटे छोटे जो प्रिंट बने हुए हैं, ये फॉइल प्रिंट है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके नीचे भी ऐसे ही बिल्कुल गोटा पट्टी लगी हुई है, गोटा पट्टी का ये लाइन लगा हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके गले में आप देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा सा यू शेप में यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई है, और इस पे एक छोटा सा बटन भी लगाया हुआ है। ये बटन को हम खोल भी सकते हैं और ये वापस लगा भी सकते हैं। मैं तो इसे लगा के ही रखती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद है, ये प्योर कॉटन कुर्ता है, और इसकी जो फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे कि अभी समर्स आ रहे हैं और उसमें हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो ये उनमें बेस्ट है। मुझे इसका कपड़ा बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली, बिल्कुल स्किन फ्रेंडली ये कुर्ता है। तब हम देखेंगे ये प्लाजो, ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही डिफरेंट कलर में है। ये थोड़ा पिंक में थोड़ी सी ब्लैक मिला दो तो जो कलर बनता है ना, कुछ उस टाइप का कलर है। और इसपे ब्लैक कलर के जो ये चेक्स चेक्स स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं, चेक्स चेक्स नहीं, स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं। इसमें ऊपर की साइड में इलास्टिक लगी हुई है, ये इलास्टिक भी जैसे बहुत टाइट नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके नीचे बॉटम देख सकते हो, ये बॉटम में भी बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, और मीडियम मीडियम कह सकते हैं, ये मीडियम है। ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्लाजो है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ये भी प्योर कॉटन में है और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है ये। हम हमारा नेक्स्ट कुर्ता प्लाजो सेट देखते हैं। ये येलो कलर में इसका कुर्ता है और रेड कलर का इसका प्लाजो है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा कुर्ता कैसा है। और ये है ब्रांड एरिसा, ये ब्रांड एरिसा से है, ये प्योर रियोन के फैब्रिक में है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है।
ये कुछ इस टाइप का है कुर्ता, इसपे रेड कलर में और इसपे रेड और ब्लैक कलर की छोटे छोटे प्रिंट्स बने हुए हैं। इसकी जो नेक लाइन है, नेक पे ये छोटे छोटे बो बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और बो, ये जो बो है वो यहाँ से मतलब चेस्ट एरिया में है, और जो कमर एरिया है वहाँ पे ये छोटे छोटे से प्लीट्स बने हुए हैं जिससे कि इसमें थोड़ा सा घेरा आ जाए। और ये भी साइड से स्लीट है, इसमें दोनों साइडों से इसमें स्लीट दिया हुआ है, लेकिन इसमें घेरा भी है। बहुत ही अच्छा लगता है ये, और इसका कलर बहुत प्यारा है। अगर आप कोई छोटे मोटे पूजा में जा रहे हो या कहीं किसी रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो और आपको कुछ हल्का सा पहनना है तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। पूजा के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको पूजा पाठ के लिए अगर यूज़ करना है तो ये बहुत ही, या फिर आप डेली वेयर घर के लिए भी पहन सकते हो। तब हम इसका प्लाजो देखेंगे, तो ये प्लाजो भी बहुत ही सुंदर सा है। इसकी जो बॉटम है वो ज़्यादा नहीं है, जो मैंने ब्लैक वाली इससे पहले वाली दिखाई थी उससे ये कम है, थोड़ा नैरो है, एंकल लेंथ में है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अलग है, थोड़ा कह सकते हैं कि खादी कॉटन होती है ना, कुछ उस टाइप का इसका फैब्रिक है। और इसमें आगे जो है वो प्लेन है और उसके साथ डोरी लगी हुई है, और पीछे है वो इलास्टिक दी हुई है। ये भी पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो येलो रेड का जो मैच होता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पहनने पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है ब्रांड मीरा से, और ये एक कुर्ती स्कर्ट सेट है। तो पहले हम कुर्ती देख लेते हैं इसका कैसा है। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही डिफरेंट कलर है, ऐसे कलर जल्दी हमें मिलते नहीं है। और इसके ऊपर जो है गोल्डन और सिल्वर दोनों के प्रिंट किए हुए हैं, और बहुत ही अलग कलर है ये भी, और आप देख सकते हो। और इसके जो नेक है तो नेक पे कॉलर बनी हुई है, आगे छोटा सा वी भी है, और ये एक कॉलर वाली ड्रेस है। और इसके मतलब इसका कलर जो है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसको पहनो तो स्किन ना बहुत ब्राइट ब्राइट लगती है, तो ये कलर तो बहुत ही अच्छा है। उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ये प्योर कॉटन में है, लेकिन ये सॉफ्ट कॉटन है, जो चुभने वाला जो कॉटन होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन कुर्ती है। ये इसका स्कर्ट है, स्कर्ट की लेंथ जैसे कि मेरी हाइट 5'6" है, तो मुझे ये एंकल लेंथ में आ रही है। इसकी मतलब इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, और इसका घेरा भी अच्छा है, मतलब कम नहीं कह सकते, ठीक है कुर्ती। और उसके साथ ये अच्छा लग रहा है, इसमें इलास्टिक है, इलास्टिक भी अच्छी है, चुभने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट है। और ये भी कॉटन के कपड़े में ही है, इस पे भी वही सिल्वर ब्लू कलर के प्रिंट किए गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा है। इसमें एक छोटी सी डोरी भी दी गई है, लेकिन ये सिर्फ शो के लिए है, इसमें कुछ ये हो नहीं रहा है। हाँ, अगर आप, ये भी बहुत ही प्यारा सा, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला कुर्ता स्कर्ट सेट। नेक्स्ट है हमारा ये कुर्ता शरारा सेट, ये भी ब्लैक कलर में है और इसका शरारा जो है वो वाइट कलर में है। तो चलिए पहले हम कुर्ते का रिव्यू कर लेते हैं। ये कुर्ता बहुत ही प्यारा सा है, ये देख सकते हो आप। इस पे जो है ये गोटा पट्टी की नेक लाइन बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इस पे छोटे छोटे बटन्स दिए गए हैं जिसपे डायमंड भी लगे हुए हैं। इसके नेक पे भी है, इसके स्लीव भी 3/4 स्लीव है, और ये स्लीव पे भी इस पे गोटा पट्टी लगी लगी हुई है, और इसके नीचे नीचे भी इसकी गोटा पट्टी लगी हुई है। ये पूरा ही आप देख सकते हो कि ये कुर्ता बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये रियोन में है, सॉफ्ट रियोन है, और ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि चीप नहीं लग रहा है, जो एक रियोन होता है जो बहुत ही पतले पतले रियोन आते हैं वैसा नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा है और
बड़ा अच्छा है और पहनने पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसका शरारा भी इसका बहुत ही अच्छा है। लेंथ इसकी काफी अच्छी है, देख सकते हो। फ्लेयर भी काफी अच्छा है। इसके जो बॉटम के नीचे जो है वहां पे भी गोटा पट्टी की लेस लगाई गई है। और ये ब्लैक ब्लैक व्हाइट और इस पे गोल्डन कलर की छोटे छोटे ऐसे फूल बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इसमें जो है इसकी इलास्टिक दी गई है और ये इलास्टिक भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जैसे हमें चुभने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी रियोन में है और इसका कपड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली है। नेक्स्ट है हमारा ये कैमरे में तो ये अलग कलर दिख रहा है, लेकिन ये एकदम लाइट मेहंदी कलर का कह सकते हैं कि कुर्ता शरारा सेट है। ये देखते हैं अब इसका, तो पहले इसकी कुर्ती देखते हैं हम। इसकी जो कुर्ती है आप देख सकते हो, इस पे पूरे कुर्ती पे जो ये है ये गोटा पट्टी बनी हुई है। ये बहुत ही ये नेक पे एक बड़ी सी गोटा पट्टी बनी हुई है और जो पूरे कुर्ते में, और ये छोटे छोटे जो है ये गोटा पट्टी बनी हुई है। ये 3/4 स्लीव है। स्लीव पे इस पे रेड कलर का एक पतली सी पट्टी लगाई है और उसमें भी गोटा पट्टी दी हुई है और जो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके नीचे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसके नीचे भी रेड कलर की पट्टी लगा के और उस पर गोटा पट्टी लगा दी है जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अगर आपको बहुत हैवी ड्रेस नहीं पहनना है और आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है और आपको सिंपल ही दिखना है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आपके पास है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी रियोन में ही है, अच्छे वाला रियोन कपड़ा है। बस इसमें मुझे एक चीज़ ये लगी कि इसका जो ये जो गोटा पट्टी है ना वो कभी कभी चुभती है, जैसे हाथों में यहाँ पे। मेरी स्किन शायद थोड़ी सेंसिटिव है तो इसलिए मुझे थोड़ी काट रही थी, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ही मस्त लग रहा था। और मतलब एक कोई दूर के रिश्तेदार की शादी अटेंड करनी है तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। और ये है इसका शरारा, तो देख लेते हैं शरारा। शरारा की लेंथ बहुत ही अच्छी है, जैसे कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग तो इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है। मुझे एंकल लेंथ में बिल्कुल नहीं आ रही है, ये थोड़ी सी एंकल के नीचे ही आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है और आप देख सकते हो कि इसके जो नीचे जो है फ्लेयर में जो है वो ना वहाँ पे भी इन्होंने गोटा पट्टी दी हुई है और उसके नीचे एकदम नीचे जो बॉटम पार्ट है वो उसका फ्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा है। देख सकते हो आपकी एक जो है एक ये है वो उसका, देखो आप कितना बड़ा इसका फ्लेयर है। ऑलमोस्ट कोई स्कर्ट, छोटी सी स्कर्ट के बराबर इसका फ्लेयर है। ये बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। तो इसके नीचे भी ऐसे ही जैसे कुर्ती में इन्होंने रेड पट्टी और गोटा पट्टी लगाई है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने शरारा में भी बिल्कुल नीचे बॉटम में रेड पट्टी लगाई है और उसके ऊपर इन्होंने गोल्डन पट्टी लगा दी है। तो ये इसको बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा कलर है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये पहन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके भी इलास्टिक जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, बहुत चुभने वाली नहीं है। और इसके दोनों साइड ये रस्सी दी हुई है, लेकिन ये रस्सी किसी पता नहीं है किस यूज़ में है क्योंकि ये ऐसे ही लगाई हुई है। तो ये है हमारा शरारा। ये था हमारा आज का ऑनलाइन हॉल वीडियो। और ये सारे ही कुर्ते जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाए हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये हॉल वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पूजा फैशन मी अप। तो स्टे कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।